हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट चाट और चने और मूंग की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी तो इतना है कि पूछिए ही मत। और ये बहुत ही ज्यादा झटपट बन के तैयार हो जाती है। अगर आप वेट लॉस की सोच रहे हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ फ्रूट चाट और चना और मूंग की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए हम एक सेब ले लेंगे। अनार ले लेंगे। ये मौसमी, आप इसके जगह संतरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर, गाजर को हम बारीक काट लेंगे। थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और लेमन जूस। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा ये हेल्दी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में आराम से ले सकते हैं, या छोटी मोटी जब भूख लगी हो तो भी आप इसे खा सकते हैं। और ये वेट लॉस में बहुत ही कारगर है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमारा फ्रूट चाट बनके रेडी हो गया है। हम एक और हेल्दी रेसिपी बनाएंगे। ये मैंने गोटा मूंग को 4 घंटे पानी में सोख करके ले लिया है। और ये चना, इसको भी पानी में मैंने सोख कर लिया था। ये गाजर बारीक कटा हुआ, ये टमाटर, टमाटर को भी हम बारीक काट लेंगे। ये बारीक कटा हुआ प्याज और ये हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, काला नमक और लेमन जूस, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है दोस्तों, और ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आप इसे खाकर 1 महीने में 1 किलो वजन तक, 1-2 किलो वजन आराम से कम कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों। हमारा फ्रूट चाट और चना मूंग की रेसिपी बिल्कुल बनके रेडी है। एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। इसको आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, और ये खाने में तो पूछिए ही मत, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी तो इतना है कि पूछिए ही मत दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस की सोच रहे हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।